आज के पॉडकास्ट के लिए जो पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है अब्दुल बासित ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिव्यर्ड एंड सीजन डिप्लोमेट्स ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग हिज करियर हैज़ बीन पोस्टेड एट मॉस्को न्यूयॉर्क सना जनीवा एंड लंडन एंड मोस्ट नोटिबली हीज़ सर्वड एज अम्बेसडर टू जर्मनी एंड ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू इंडिया इन टू थाउजेंड फोर्टीन हीज़ सर्वड एज फॉरन ऑफिस स्पोक्स एंड हीज़ दफ़ द बुक हॉस्टलिटी ये रेगुलरली अपियस ऑन डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स एंड टॉक शोज सर थैंक यू सो मच फॉर बींगर विद्यूव मी सर थैंक यू सो मच जिस सब्जेक्ट पर आज हम बात करें uh, वो इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत ज्यादा टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स उनमें से एक है uh, जिस तरह से अलाइंसिस इमर्ज हो रही हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो ट्रेंड्स हैं uh, वो आए रोज चेंज हो रहे हैं तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें सर के साथ करेंगे क्योंकि सर का अपना एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी ही हैज़ गॉट सम वेरी इंसाइटफुल व्यूज़ ऑन दिस तो हम कोशिश करेंगे कि सर के व्यूज से इस्तेफादा लें तो सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वाकम कैसे हैं सर आप अल्लाह का बड़ा करम थैंक यू वेरी मच सर हमारा सब्जेक्ट बेसिकली इमर्जिंग अलायसेज है जब हम इमर्जिंग अलायसेज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है कि जिसमें बहुत कुछ आ सकता है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पूरी डिस्कशन को पाकिस्तान के ऊपर फोकस रखें ताकि हमारे ऑडियंस भी इससे मुस्फ़ीद हो हमारे ऑडियंस में कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो कि जानना चाहते हैं और एक आम इंसान भी ऑब्वियसली आजकल के टाइम पे इंफॉर्मेशन रखता है नॉलेज रखता है तो सर अभी पिछले एक महीने एक आ, इंडिया और यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट आई आफ्टर द विज़िट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी टू यूनाइटेड स्टेट्स और उस स्टेटमेंट में वैसे तो काफ़ी लंबी एक स्टेटमेंट है Uh, एक पॉइंट uh, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात हुई पाकिस्तान में क्योंकि इट एक्सपेसिटली मैंशन पाकिस्तान उसकी वर्डिंग सर मैं एग्जैक्टली exactly आपको पढ़ के बता देता हूँ दे सेट दैट दे स्ट्रॉली कंडेम्ब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म द यूज ऑफ यूज ऑफ टेररिस्ट प्रॉक्सीज एंड कॉल्ड ऑन पाकिस्तान टू मेक इमिजिएट एक्शन टू इंश्योर दैट नो टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल इज यूज फॉर लॉन्चिंग टेररिस्ट अटैक्स दे कॉल्ड फॉर प्रोपिटेटर्स ऑफ ट्वेंटी सिक्स इलेवन मुंबई एंड पठानी ब्रॉड टू जस्टिस एंड देन दे दैट दे कॉल्ड अपॉन द फाइनेंशियल Action Task एक्शन to undertake further work on identifying how to improve global implementation of its standards to combat money laundering and financing of terrorism. तो सर सबसे पहले तो ये कि इस पूरी लैंग्वेज में आ, how diplomatic is it? ये लैंग्वेज कितनी डिप्लोमेटिक है ये act itself सर्फ कितना डिप्लोमेटिक है सर बहुत शुक्रिया बस्मिल्लर रही देखिए मैं कोई हैरान नहीं हूँ इस लैंग्वेज पे. दो तीन बातों का हमें अपने सामने रखनी चाहिए पहली बात तो ये है कि 2004 से जब से पाकिस्तान और भारत ने एक जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ इस्लामाबाद में साइन की सार्क समिट हो रही थी और उसके मार्जन्स में प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ़ की और प्रेजिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात हुई तो उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट हुई उसमें अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ें तो पाकिस्तान ने पहली मरतबा किसी भी पाकिस्तान भारत की जॉइंट स्टेटमेंट में एक ये कमिट किया कि पाकिस्तान अपनी टेरिटरी टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा तो जब आप खुद इम्प्लिसिटली एक कमिटमेंट अपने लिए ले लेते हैं तो फिर पीछे क्या रह जाता है तो मैं तो भारत अगर आप देखिए तो बार बार उसी ज्वाइंट स्टेटमेंट का हवाला देता रहता है राइट सर। तो मुझे तो कोई मैं इस पर हैरान नहीं हूं और फिर अगर अमेरिका के साथ जॉइंट स्टेटमेंट में इस किस्म की लैंग्वेज आई है तो फिर भी हमें हैरान नहीं होना चाहिए सच्ची बात तो यही है क्योंकि इस वक्त अमेरिका भारत को पैंडर करने की कोशिश कर रहा है उस कोशिश कर रहा है कि उसको एक लिहाज से काउंटर वेट बनाए चाइना का तो ये एक्सपेक्टेड था हमारे यहाँ न जाने क्यों लोग इतना शोर शराबा कर रहे हैं इसके ऊपर लेकिन ये बात ज़रूर है कि चूंकि उसकी जो इस स्टेटमेंट की अगर आप देखें तो बुनियाद हमने खुद डाली हमने खुद रखी इस्लामाबाद में अगर हम 2004 में थोड़ा सा कॉशियस हो जाते उस किस्म की लैंग्वेज उस जॉइंट स्टेटमेंट में ना होती तो शायद आज ये भी स्टेटमेंट ना होती है एक प्रोसेस होता है डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी इज़ नॉट एन इवेंट कि बस एक इवेंट हो गया ख़त्म हो गया यू बिल्ड बिग बिग और यही भारत ने किया दहशत गर्दी के हवाले से और आज हम जहाँ हम खड़े हैं तो हमारे लिए एक रिफ्लेक्शन का वक्त है कि हम रिफ्लेक्शन करें इंट्रोस्पेक्शन करें कि कहाँ कहाँ से हम हमारे हमारे से सफ़ारती गलतियाँ हुई कहाँ कहाँ से हमने मिस स्टेप्स लिए और उनको सुधारने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है वो तो बड़े क्लियरली अब दे आर दे वांट टू हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया इंडिया इज़ प्लेइंग वेरी स्मार्टली वो इस वक्त शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी खेल रहा है ब्रिक्स में भी खेल रहा है और hmm. साथ साथ यहाँ भी उसने अपने चैनल्स ओपन रखे हुए हैं बट द टाइम विल कम आई नॉट नो वन वेन इंडिया विल हैव टू डिसाइड क्योंकि इस वक्त चाइना और रशिया बड़े क्लोजली इंडिया को वॉच कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे भी और ब्रिक्स पे भी बट अभी इस वक्त बाहर इंडिया इज़ इन अ प्लेइंग यू नो स्मार्टली एंड इज़ इन अ बेटर पोजीशन आई वुड से सर मेरे ख्याल से जो अभी आपने बात की है इसी से एक दो क्वेश्चन और भी मर्ज होते हैं विच आई वॉज प्लानिंग टू तो आस्क लेकिन सिंस यू हैव ऑलरेडी मैंशन दम तो आ, पहली बात तो सर ये कि वेन वी सी कि हाउ डिप्लोमेटिक इज़ इट तो उसमें सर जैसे आपने कहा कि कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती पूरी एक कॉन्टीन्यूटी होती है इफ़ एनी थिंग पाकिस्तान हैज़ बिन वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टम ऑफ टेरिज्म इट सेल्स और अभी रिसेंट पास्ट में ऐसा कोई वाक़ा ऐसा कोई इवेंट होता नज़र नहीं आता कि जिसमें आप कहें कि uh, पाकिस्तान के ऊपर ईवन को एलिगेसन भी हो इस इस किस्म का उससे बड़ी बात यह सर कि पाकिस्तान सक्सेसफुली अपने रिक्वायरमेंट्स पूरे कर चुके हैं एफ ए टी एफ के और भी लास्ट ईयर ही एफ ए टी एफ ने कमेंट भी किया पाकिस्तान के आ, अपना एफर्ट्स को और उसके बाद हमें एफ ए टी लिस्ट से निकाल भी दिया गया तो ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसी स्टेटमेंट आ जाना स्पेसिफिकली पाकिस्तान का आ, नेम मेंशन होना थोड़ा थोड़ा काउंटर 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 प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव नहीं नहीं लगता नहीं, आप एक कॉन्टेक्स्ट में है ना सर जिन्होंने स्टेटमेंट इशू की है उनके कॉन्टेक्स्ट में तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी है नहीं है और उनके लिए शायद प्रोडक्टिव भी है भारत की तो पिछले कई सालों से ये एफर्ट है कि पाकिस्तान को डिफेंसिव पे रखे ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म क्योंकि उसने बड़ा सक्सेसफुली जो कश्मीर की लजिटीमेट स्ट्रगल है उसको भी टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में दुनिया के सामने पेश किया है अब मिसाल के तौर पर देखिए ना यहाँ पे दो वाकयात का जिक्र है मुंबई अटैक का और पठान कोर्ट का अब हमें दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि मुंबई अटैक ट्रायल अगर पाकिस्तान में शुरू है तो वो क्यों पाया तकमील तक नहीं पहुँच रहा अपने मनत अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच रहा उसकी वजूहत क्या हैं हमने कोई नेगेटिव बिल्ड किया इस कॉन्टेक्स में नहीं किया हमने दुनिया को नहीं बताया कि भारत की वजह से ही मुंबई अटैक ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा भारत हमारे साथ ताबन नहीं कर रहा इस मामले में क्योंकि क्राइम सीन मुंबई में है ट्रायल यहां पे चल रहा है तो जब तक हकूमत भारत हिंदुस्तान हमसे ताबन नहीं करेगा तो हम किस तरह मामला को आगे लेकर जाएंगे इसी तरह पठानकोट को आप ले लीजिए पठानकोट में हमने बहुत सी गलतियाँ की उस वक्त की हकूमत ने फौरी तौर पे हमने एक टीम भिजवा दी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भारत में इतने वीक मैंडेट और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मैं तो उसका मैं तो मैं जब देखता हूँ तो वह सब मैं क्योंकि खुद हाई कमिश्नर था तो। भारत में पाकिस्तान का और मैंने मुखालफत की थी उसकी कि इतने वीक टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ अपनी टीम मत भिजवाई क्योंकि एक दफ़ा आपने टीम भिजवा दी तो इम्प्लिसिटली आप ये तस्लीम कर रहे हैं और उससे पहले अट्ठारह फरवरी दो हज़ार सोलह को आपने गुजरावाल में एक सिर्फ कि भारत के कहने पे आपने एफ़ आई आर यहाँ पे कटवा दी पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ तो जब आप ख़ुद ऐसे इकदाम लेंगे तो फिर दुनिया से आप नहीं गिला कर सकते मेरे ख़्याल में तो हमें अपना नैरेटिव ख़ुद बिल्ड करने की ज़रूरत है उसमें एक कंसस्टेंसी होनी चाहिए उसमें एक राशनल होना चाहिए तब दुनिया आप पे यकीन करेगी मेरा ख़्याल ये अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि हम सिर्फ इस बात पर कि पाकिस्तान ख़ुद विक्टम है ये कहते कहते दुनिया हम पे यकीन कर लेगी इस नॉट इनफ टेररिज्म के बहुत सी डायमेंशनस हैं अगर आपने एक नैरेटिव बिल्ड करना है या इंडिया के को काउंटर करना है तो आपको एक थिंक थ्रू करना पड़ेगा इन तमाम मामलों में ये कहना इनफ़ नहीं है कि पाकिस्तान इट सेल्फ इज़ अ विक्टम ऑफ टेररिज्म हमारे यहाँ ये हमें हमें हमारा मुकदमा बड़ा मज़बूत है लेट मी अश्योर यू कमांडल कुलभूषण जादेव की अरेस्ट से लेकर बलोचिस्तान में जितनी भी डिसिडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं बीएलए है बीआरए है जिस तरीके से भारत उनको फंड कर रहा है हमने डॉसियर बनाया था पूरा एक भारत की जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में लेकिन क्या हुआ जी उसके बाद ही गॉट अबाउट दैट डॉसियर हमारे यहाँ हम सस्टेन नहीं कर पाते कोई भी इनिशिएटिव को एंड दैट इज़ आर बिगेस्ट प्रॉब्लम वी से वन थिंग वन डे एंड देन फॉर फॉरगेट अबाउट इट फॉर मंथ्स टू कम फिर हमें ख्याल आता है कि हमने यार आज से दस महीने पहले बात की थी उसको रिपीट कर देते इस तरह नहीं चलता नैरेटिव बिल्डिंग उसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए बेसिकली लैक ऑफ़ कंसिस्टेंट नैरेटिव, कंसिस्टेंट और एक हमारे शायद इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी नहीं रही अब बद बत, बदकस्मती के साथ कि अगर हम किसी इदारे पे एक वेल well कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम आगे चलें हम एक इनिशिएटिव लेते हैं इसको उसके लॉजिकल एंड तक हम ले जा नहीं पाते हम बीच दोराहे कहीं छोड़ देते हैं और ये मैं समझता हूँ कि हमारी शायद इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी नहीं रही कितने इश्यूज होते हैं वी आर मोर इन्वॉल्व इन फायर फाइटिंग और फिट्स एंड स्टार्ट में काम करते हैं इस तरह डिप्लोमेसी फंक्शन नहीं करती और ना डिलीवर कर पाती है बिल्कुल ठीक सर बिल्कुल ठीक दूसरा क्वेश्चन सर इसी से जो इमर्ज होता है वो ये भी है कि हमें नज़र आता है कि इंडिया और यूएस की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काफ़ी बड़ी है स्पेशली पिछले दो डेकेट में तो इट हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रेटजिक पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन द रीजन और आफ्टर द विड्रॉल ऑफ अफगानिस्तान अब तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बड़ा स्पेशली एक दो जगह पर स्टेट भी किया है कि हमारी जो फॉरन पॉलिसी स्पेशली इन साउथ एशिया उसमें जो मेन फोकस है वो इंडिया है और सो मच हैज़ बिन सेट एंड ऑन द टॉपिक के यूनाइटेड स्टेट्स टू रेज इंडिया एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना सर क्वेश्चन यहाँ पे ये मर्ज होता है कि क्या इंडिया भी काउंटर बैलेंस बनना चाहता है चाइना का क्योंकि इंडिया की तरफ से तो ये स्टेटमेंट्स भी नजर आती हैं कि इट वांट्स टू बिकम द ग्रेट पावर ऑफ द वर्ल्ड और uh, चाइना के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि तारीख के तनाज में अगर जाए तो चाइना के uh, चाइना पर भी कभी इन्वेस्ट किया था यूनाइटेड स्टेट ने काउंटर बैलेंस एस आर आज वही चीज़ बेफायर करी है तो कल क्या यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर ये चीज़ बेफायर नहीं कर सकती कि इंडिया Uh, अगर एक काउंटर बैलेंस बनते बनते एक ग्रेट पावर बन जाता है तो उसका रिएक्शन किस तरह से होगा और आपको क्या लगता है कि इंडिया वाकई कमिटेड है टू बिकम द काउंटर बैलेंस टू चाइना देखिए इंडिया इन माय व्यू इज़ कमिटेड टू इट्स सो नेशनल इंटरेस्ट और उनको पता है कि चाइना से उनको वो परसीव करते हैं उनके परसेप्शन में चाइना से ख़तरा तो है दो से जो हो रहा है पहले डोकलाम में हुआ फिर गलवान वैली में क्लैश हुए भारतीय फौजी भी मारे गए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इश्यूज तो हैं एक बॉटल sure. डिस्प्यूट भी उनका है और ये पैंतीस सौ लॉन्ग किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तो भारत को चीन से ख़तरा तो है इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए लेकिन भारत बड़ी कामयाबी के साथ उसको मालूम है कि अगर उसने अपनी जो पूरा उसका एक डॉक्टर है जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्टर अगर आप देखिए दो हज़ार सत्रह का तो, तो उसमें बड़ा क्लियर है कि अगर वो डेवलप करना चाहता है अपनी पूरा डिफेंस सिस्टम तो उसको अमरीका की बड़ी ज़रूरत है इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अमरीका से ही मिल सकती है ना पैलेटेड ड्रोन्स उसको चाइना से नहीं मिल सकते वो अमरीका से ही मिल सकते हैं इसी तरह अब जनरल इलेक्ट्रिक्स की जो ज, ज, जेट एयरक्राफ्ट के इंजन हैं वो वहीं से मिल सकते हैं चाइना से नहीं मिल सकते तो भारत को इस चीज़ का बड़ा इदराक है कि इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि बुनियादें रख दी जाएं भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके किसी भी फ्यूचर क्लैश में तो इस वजह से भारत अगर आपको नज़र आता है क्वाड का हिस्सा या आई टी टू का हिस्सा तो उसमें सारी ये चीज़ें कार फरमा हैं कि इस वक्त भारत अपने आप को पेश भी करेगा काउंटर वे टू चाइना लेकिन उसका पर्पज़ इस वक्त यही है कि किस तरीके से वो अमरीका की जो टेक्नोलॉजी है उससे भरपूर फ़ायदा उठाए वो उठा रहा है उसको राफेल एयरक्राफ्ट भी फ्रांस से मिल रहे हैं हर चीज़ फ्रांस से मिल रही है इस तरह बरतानिया से अच्छी अच्छी न्यूकलियर सबमरीन भी मिल जाएंगी तो ये वो काम है जो भारत टेक्टफुली कर रहा है और भारत चूँकि इकनॉमिकली इज़ राइजिंग एक बहुत बड़ी मार्केट भी है इनके लिए भी मजबूरी है तो एक लिहाज से मेरे ख्याल में इस वक्त जो वेरिएबल्स हैं दे आर इन फेवर ऑफ इंडिया और इसी वजह से भारत ने अपने तमाम ऑप्शन अभी बंद नहीं किए जो मैंने पहले बात की थी एस सी ओ वगैरह में ब्रिक्स में देखिए अभी भी वो एक्टिव तो है उसमें फ्यूचर की बात है देखेंगे कि किस तरह चीज़ें अनफोल्ड होती हैं लेकिन इस वक्त जो भारत इस आज का जो भारत है उसको पता है कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुक हैं वो किस तरह क्यों ज़रूरी हैं उसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए और लॉन्ग टर्म चाइना को काउंटर करने के लिए सर लेकिन वहीं पे चाइना के साथ उनका पॉपलेन भी है ट्रेड भी है इन्वेस्टमेंट भी है, वो भी चल रहे हैं। वो तो देखिए ना वो ग्लोबल डायनामिक्स डिफरेंट हैं वो तो अमरीका और चाइना के दरमियान भी डिपेंडेंस है क्योंकि सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट बन गया है ना इंटर डिपेंडेंस अपनी जगह पे है लेकिन इसके बावजूद के चाइना यू एस की ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त है लेकिन वो दूसरे को अपना कंपेट तो समझते हैं और यूस अमेरिका जो है वो चीन को ही अपना मुस्कबिल का देख रहा है हरीफ तो ये चीज़ें अपनी जगह पे हैं इसीलिए वो रूस वाले अपने अमेरिका वाले कह रहे हैं ना कि हम डी कपल नहीं कर सकते चाइना के साथ डी रिस्क कर सकते हैं तो आप डी कपल से डी रिस्क तक पहुंच गए कि कम से कम वो टेक्नोलॉजी से पाबंदी लगाएं मिसाल के तौर तो पर सेमी कंडक्टर्स पे वो चीन को ना मिल पाए ताकि चीन जो कैचअ करना चाहता है वेस्टर्न दुनिया के साथ वो जल्द ना कर सकें हम जिस कदर ज़्यादा डिले कर सकें चीन की डिवेलपमेंट को हम करें लेकिन भारत ने ऑब्वियसली सारी सिचुएशन एक्सप्लाइड कर रहा है टू तो इट्स ओन एडवान्टेज बिल्कुल ठीक सर अच्छा सर एक बात और आ, कुछ क्रिटिक्स का मानना ये भी है यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी को जो क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग ये भी कहते हैं कि एक चाइना थ्रेट थ्यूरी है एक चाइना स्केयर है जिसको यूज़ किया जाता है और अगर आप रियलिटी में देखें तो इतना ज़्यादा थ्रेट नहीं है या उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है चाइना यूनाइट स्टेट्स के लिए उसमें सर वो फ्रीज जगह जैसे लोग भी ये कहते हैं कि आ, अगर आप एक कंट्री को कंपेल करेंगे आ, अपने एक्शंस के साथ कंटेनमेंट की बात करके या फिर उनको इंसर्कलमेंट की बात करके तो ऑबियसली यू आर ऑल्सो लिमिटिंग देर रिस्पॉन्स एज वेल कि आप कहीं ना कहीं उनको भी कंडीशन कर रहे हैं कि वो आपके कंपेटेटर या एनिवर्सरी ही बने तो सर आपको वाकई लगता है कि क्या आ, इस चीज़ में कोई वेटेज है या कंपटीशन uh, इनेविटेबल है जो पावर ट्रांसफ़र थ्री भी कहती है कि ऑब्वियसली कंपटीशन होना ही होना है जब भी पावर ट्रांसफर होगी एक पोल से दूसरे पोल की तरफ देखिए अभी मैं नहीं समझता कि अमेरिका कोई इन द फोर्स फ्यूचर वो कोई लूज कर रहा है इन सेंस के अमेरिका का और चाइना का भी कॉम्पिटिशन बहुत सालों तक चलना है और चाइना को भी ये पीरियड चाहिए क्योंकि चाइना में अभी उस तरह, थे, तरह थे, टेक्नोलॉजिकली वो हम चीज़ नहीं देखते अभी देखिए ना अगर आप डिफेंस बजट ले लीजिए तो अमेरिका का इस वक्त तो डिफेंस बजट 700 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है सिर्फ डिफेंस पे जी जबकि चीन का जो बजट है या बाकी का मिला के भी भारत यू एस के डिफेंस बजट से उसका मुकाबला नहीं कर सकता तो भी चीन को बहुत असर चाहिए टू ओवरटेक यू एस इन डिफरेंट एरियाज खास तौर पर डिफेंस में और रिसर्च एंड डिवेलपमेंट में बहुत अर्सा चाहिए अभी और चीन को इस बात का एहसास है right. इसलिए चीन अपने आप को इस वक्त किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को उलझाना नहीं चाहता अमरीका के साथ जिसमें उसकी इकनॉमिक डिवेलपमेंट पर कोई जख्म पहुँचे कोई हर्ज हो उस पर तो इसलिए दे आर ट्रेडिंग वेरी वेरी कॉशियसली अमरीका उनको प्रोवोक भी करेगा ख़ास तौर पे ताइवान के इशू पर लेकिन चाइना इज़ वेरी केयरफुल और आर ट्रेडिंग विद एटमोसर कंस्टेक्शन दे नॉट टेक एनी स्टेप विच वुड अनेसरि डिविएट देम फ्रॉम देयर कोर्स डेवलपमेंट कोर्स तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ठीक है अमरीका प्रोवोक भी करेगा सब कुछ करेगा लेकिन चाइना अनलेस के ताइवान पे अमेरिका बिल्कुल ताइवान को उस जगह पे ले आए जहाँ पे ताइवान इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करे फिर तो ऑबियसली मिलिट्री कन्फ्रेंटेशन का ख़तरा होगा लेकिन उस वक्त तक, तक मेरा नहीं ख्याल कि चाइना को ये प्रोवो कर सकते हैं क्योंकि चाइना की बड़ी ट्रेडिशन है उन्होंने कभी इस किस्म के इकदाम नहीं लिए आ, और वो कभी भी जो है अपनी इस वक्त जो उनकी एक जो एम्फिस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे उसको वो दाव पे नहीं लगाएंगे मेरे इवन आज भी सर उनकी हिस्ट्री है नॉन इंटरफेरेंस नॉन इंटरफेरेंस है कभी उन्होंने कभी कभी कोई को, को कभी एक्सपोर्ट नहीं किया एक कभी कोई लाखा कब्जा नहीं किया तो उन्होंने तो उनकी हिस्ट्री ये नहीं है अब देखना यह है कि आने वाले सालों में किस तरह चाइना अपने आप को ताइवान के इशू में ख़ास तौर खासतौर बाकी इशूज़ तो हैंडल हो ही जाएंगे लेकिन मुझे ख़तरा यही रहता है कि ताइवान में कहीं अमरीका ऐसे स्टेप ना ले ले जिससे एक और एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तक बात पहुँच जाए जिस तरह देखिए रूस को इन्होंने इन्वॉल्व किया यूक्रेन में यूक्रेन लीडरशिप को प्रोवोक करते करते कि यू आप नेटो में शामिल हुई नेटो में शामिल हुई हालांकि बड़ी कमिटमेंट थी इस पूरे इलाके की कि हमने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको शामिल नहीं करना नेटो जी तो उसके पास फिर रशिया के पास तो कोई और ऑप्शन नहीं, नहीं रहा तो उस किस्म की सिचुएशन को मेरा ख्याल में चाइना एवॉइड करेगा सही सर बिल्कुल सही सर कमिंग टू पाकिस्तान पिछले दिनों एक बहुत इन्फेमस लीक्स हुई थी फेमस लीक्स कह लें पेंटागॉन लीक्स जिसके अंदर कुछ हाई ऑफिशियल पाकिस्तान के जो बात कर रहे थे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में और उसमें हमें सुनने को मिला था कि पाकिस्तान को साइड्स को चूज़ करना पड़ेगा और ज़्यादा टिल पाकिस्तान का चाइना की तरफ ही हो तो बेहतर है तो सर पहली बात तो ये कि क्या ये सही टाइम है साइड्स चूज़ करने के लिए पाकिस्तान के लिए स्पेशली गिवन आर ओन इकोनॉमिक सिचुएशन आर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम विद क्या आपको लगता है कि वी कैन अफोर्ड टू चूज साइड्स एट दिस टाइम सा देखिए फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमा सस्टम कंडक्ट नहीं होती मेरे ख्याल में वो लोग बहुत सी सादा लोग हैं जो Uh, सफारतकारी को इस नहज पे ले आते हैं जहाँ पे आप पब्लिकली इस किस्म की पोजीशंस लें ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि हम किसी कैंप में नहीं हैं हम किसी साइट पे नहीं हैं ये डिस्कोर्स ही क्यों uh, इस डिस्कोर्स की जरूरत ही नहीं है तो ब्लैक एंड कुछ नहीं होता। कुछ नहीं असल ज़्यादातर चीज़ें ग्रे एरियाज में होती हैं और आपको उसी ग्रे एरिया में रहकर ऑपरेट करना पड़ता है इस किस्म के जो बयानत है ना कि हम कोई कैंप पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे हम किसी कैंप में ये भी सारी मेरे हिसाब से बेमकसद गुफ्तू है आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है और आपके नेशनल इंटरेस्ट हैं क्या आपके देखें ना नेशनल इंटरेस्ट क्या है आपने अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है सॉब्रेंटी को प्रोटेक्ट करना है आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना है आपने कश्मीर इशू को आगे लेकर जाना है जो टेररिज्म सारे खदशात हैं वो आपने ख़त्म करने हैं यही बुनियादी तौर पे इंटरेस्ट हैं आपने इनको ही सामने रख के अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है और अपनी डिप्लोमेसी को उन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए अपनी डिप्लोमेसी कंडक्ट करनी है अब आपके पास चीन अगर ऑप्शन है तो चीन ऑबियसली हमारा एक स्ट्रेटिजिक पार्टनर रहा है और उसके साथ हमारी होती रहेगी स्ट्रेंथ हो, स्ट्रेंथन होती रहेगी ये पार्टनरशिप लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वी कैन नॉट हैव अ रिलेशनशिप विद द यूएस और एसर वेस्टर्न कंट्रीज हमारे उनके साथ भी देखें अमेरिका में इस वक्त तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग रहते हैं वो हमारे लिए लिविंग ब्रिज है तो हम किस तरह ये कह सकते हैं कि हमारे उनके साथ ही ताल्लुक नहीं होंगे तो हरगिज़ इस किस्म की जो डिस्कोर्स है पब्लिक डिस्कोर्स ये बिल्कुल बेमानी है और ये हैज़टस है मेरे हिसाब से इस किस्म के डिस्कोर्स में हमें नहीं पढ़ना चाहिए ये काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं और ये वो लोग करते हैं मैं मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जिनको ना तो डिप्लोमेसी का पता है किस तरह सफारतकारी काम करती है ना फ़ौर पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का उनका इधराक है जो इस क्षम की बातें करते हैं हमें अपने इंटरेस्ट के साथ खड़ा होना ऐट द एंड ऑफ द डे लेकिन हमें ये पब्लिक में ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है दो तरफ़ा तल्लक जो ममाले के दरमियान होते हैं उनकी अपना अपनी एक पेस होती है उसकी अपनी रूट्स होती हैं वो उसको आपको नरिश करनी पड़ती हैं खुद ही आ, और अगर एक ट्रस्ट म्यूचुअल ट्रस्ट हो तो वो चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं तो इसलिए मैं इस डिस्कोर्स में नहीं पढ़ता फ्रैंकली स्पीकिंग और मैं समझता हूँ कि ये एक नई किस्म का डिस्कोर्स है जो हमारे कुछ तबकों ने यहाँ शुरू किया है और जो कि होना नहीं चाहिए था आ, लेकिन हर मुल्क की तरह पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी लॉबीज़ हैं जो काम करती रहती हैं हमें उस उनसे होशियार रहना चाहिए बिल्कुल ठीक सर मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन आपके ख्याल से सर फॉरेन पॉलिसी अभी तक जिस तरह से पाकिस्तान कंडक्ट कर रहे हैं उसमें ऑब्वियसली uh, उस पे कुछ उसके uh, अच्छे पॉइंट्स भी हैं कुछ ऐसी चीज़ें में वीच आर नॉट वर्किंग इन आवर फेवर आपको क्या लगता है कि सर वट नीड्स टू बी चेंज हमें क्या डिफरेंट क्या करना चाहिए सर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं स्पेशली इन दिस इमर्जिंग जियो स्ट्रेटिजिक और जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन यू एस एंड चाइना और फिर हमारी अपनी लोकेशन को देख के हमारे नेबरहुड को देख के हमारे पास क्या ऑप्शन है हम अपने फ़ॉर पॉलिसी को किस तरह से आगे लेके चलेंगे देखिए फॉरेन पॉलिसी को आज के ज़माने में ख़ास तौर पे आप जो आपके अंदरूनी हालात हैं उनसे आप जुदा नहीं कर सकते पहले भी नहीं कर सकते थे लेकिन अब ज़्यादा हो गया है जब तक पाकिस्तान में सियासी अदम इसकाम रहेगा उस वक्त तक मेरा नहीं ख़्याल कि अब फॉरेन पॉलिसी जो अहदाफ़ हैं आप उनको हासिल कर सकते हैं मेरा अपना ख़्याल ये है कि हमें जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी को जो पेश पेश हैं फ्रंट लाइन है वहाँ पर बहुत ज़रूरत है रिफ्लैक्शन की आ, हमें अपनी इंस्टीट्यूशन कपेसिटी बढ़ानी है फिर पाकिस्तान में दो एरियज़ ऐसे हैं जिस पर हमें ख़ास तौर पर तोज्जो देनी है हमारे फ़ॉन पॉलिसी का कभी वो असल अहदाफ नहीं रहे इकनॉमिक डिप्लोमेसी और एक पब्लिक डिप्लोमेसी जो दो ऐसे एरियाज़ हैं पर हमें फोकस करना है और अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी डिप्लोमेसी को पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना है वो हमने अभी तक सही मानव उस पर काम ही किया इसी तरह पब्लिक डिप्लोमेसी हमें नगरटिव बिल्डिंग का तरीक़ा नहीं आता सही तरीक़े से हमने वो सीखना है उस पर हमें कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत है और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो ग्लोबल इस वक्त डायनिक्स तब्दील हो रहे हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स अब ऑफ फरमा हैं हमें तमाम इस्टेक होल्डर्स को उसमें गवर्नमेंट के भी हैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों बिल बैठ कर रीवज़िट करना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं फॉरेन पॉलिसी के मैदान में और फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटी हमें वर्कआउट करनी चाहिए आ, मेरी बड़ी फेवरेट डेफिनीशन है डिप्लोमोसी की डिप्लोमेसी इज़ द आर्ट ऑफ एग्रींग ऑन द फिजबल इन ऑर्डर टू एडवांस द डिज़ाबल ये अगर हम समझ जाए ना कि टेक्टिकल फ्लैक्सीबिलिटी को जोड़ना है आपने टू टू गेट योर स्ट्रेटजी को ऑब्जेक्टि ये जो लिंक होता है ना ये स्ट्रेटी और टेक्टिक्स में इसको हमें समझना है और अगर हम ये तमाम इस्टेक होल्डर समझ जाएँगे और एक एक डिवाइस करेंगे स्ट्रेटी शॉर्ट टू मिड टर्म मिड टू लॉन्ग टर्म तो फिर मेरे ख़्याल में हमें पता होगा कि हमारे अहदाफ क्या हैं और हमने उनको अहदाफ को हासिल कैसे करना है जो अहदाफ को हासिल करने वाली बात है ना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन माई व्यू जिसमें पाकिस्तान बड़े अरसे से लैक करता है हम बड़े बड़े अहदाफ तो मुतन कर लेते हैं लेकिन उनको अचीव कैसे करेंगे उसका रास्ता हमें नहीं पता होता अब वक्त आ गया है कि हमें दुनिया की अपने रीजन की सिचुएशन को अपने दुनिया की जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको सामने रखते हुए रीविज़िट करें अपनी फॉरेन पॉलिसी को और देखें कि कहाँ कहाँ डिप्लोमेटिक गेपिंग होल्स हैं जो हमें फिल करने हमको प्लग करना है ताकि जो भी हमारे अहदाफ़ हैं हम उनको बेहतर तरीके से हासिल करें बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच आपके टाइम का आखिर में सर बस ऑन अ लाइटर नोट हमारी जो यंगर ऑडियंस जो हमें सुन रही है आ, उनको सर अगर आप कोई मैसेज देना चाहें वो लोग स्पेशली वो स्टूडेंट्स के जो वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन करना चाहते हैं ये जो डिप्लोमेसी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए सर कोई मैसेज सर मैसेज तो यही है कि हमारे यहाँ एक्चुअली uh, डिप्लोमेसी को और uh, सोशल साइंसिस को बहसीत मजमू बड़ा लाइट लिया जाता है बड़ा तो, कैजुअली इसको हालाँकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं इस हमारे इस वक्त की जो द, दुनिया है तो डिप्लोमेसी इट्स सेल्फ हेज़ बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन तो जो भी आना चाहते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों की और फिर क्रिटिकल थिंकिंग डिवेलप करें चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना सीखें कम्पलेसेंट ना हो आ, किताबें पढ़ें लिखना पढ़ने पे शौक पैदा करें हिस्ट्री uh, से शोगफ पैदा करें ताकि तारीख़ आपको मालूम हो तो पहले तो यही मैं यही कह सकता हूँ यंगस्टर्स को कि पढ़ने लिखने का रुझान पैदा करें और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें कन्फॉर्मिस्ट uh, ना हो जब आप किसी चीज़ को आपको प्रेजेंट कर दी जाती है और आप उसको तस्लीम कर लेते हैं तो वहीं पे आपका खेल ख़त्म हो जाता है आप उस पर क्वेश्चन रेज करें अप्रोप्रिएट right. कोश्चन्स फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग अपनी डिवेलप करेंगे तो और मुझे उम्मीद है कि जो भी फॉरेन ऑफिस में आना चाहते हैं फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में इस अ ग्रेट सर्विस आप पब्लिक कमिटमेंट के साथ आइए लेकिन ये पैसा बनाने वाली सर्विसेज नहीं है जी ये पब्लिक कमिटमेंट के साथ आप आएंगे और यू हैव टू गिव नॉट टू गेट एनी थिंग बिल्कुल ठीक है विद डेट वील एंड दिस पॉडकास्ट थैंक यू सो मच सर वेलकम फॉर ज्वाइनिंग अस और वी होप कि इस तरह के पॉडकास्ट का सिलसिला हमारा जारी रहेगा आगे भी आपके साथ इन टच रहेंगे सर और अपने व्यूअर्स तक आपके व्यूज़ को पहुँचाते रहेंगे सर थैंक यू सो मच वेलकम मच वेलकम